हेलो, वेलकम टू एपिसाइन सेंटर। आज हूँ 10 अगस्त 2022। आज किसी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एवं से रिलेटेड किसी इनफर्मेसन विषय में आम डिस्कसन करवा। प्रतिदिन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विषय में जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। देखिए आज प्रथम क्वेश्चन, इंडिया वन हाउ मेनी मेडल्स एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स रे इंडिया केतोटी मेडल जीति? यार आंसर होची ऑप्शन सी 61। सो 2022 कॉमनवेल्थ गेम रे इंडिया रो खिलाड़ी माने सर्वमोट 61 61 मेडल जीति छंती। एवं एही 61 मेडल सहित इंडिया मेडल टेबल रे फोर्थ पोजिशन रे रही छी। एवं 178 टोटल मेडल सहित ऑस्ट्रेलिया टॉप पोजिशन रे रही छी। तो ऑस्ट्रेलिया सर्वमोट मेडल्स जीति 178 फर्स्ट रे, सेकंड रे रही इंग्लैंड से जीति 176 मेडल्स, थर्ड रे रही कनाडा 92 मेडल्स एवं फोर्थ रे रही इंडिया 61 मेडल एवं फिफ्थ रे रही न्यूजीलैंड विथ 49 मेडल्स। सो इंडिया 61 मेडल भितर रही 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर मेडल एवं 23 ब्रोंज मेडल्स। सो कॉमनवेल्थ गेम रिलेटेड आउ किसी इंपोर्टेंट इनफर्मेसन एवं इंडिया रो टोटल मेडल लिस्ट विषय आम गोटे वीडियो रिलीज करूँ, तो नेक्स्ट वीडियो रिलीज करूँ तो ताकू निश्चित देखिबे। देखिबे यार परवर्ती क्वेश्चन, इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड व्हिच एक्सरसाइज टू टेस्ट सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स। सैटेलाइट उपरे आधारित सिस्टम मानक इंडियन आर्मी रिसेंटली क्यों एक्सरसाइज टी कंडक्ट करछंती? यार आंसर होची ऑप्शन सी स्काईलाइट। सो इंडियन आर्मी रिसेंटली एको एक्सरसाइज कंडक्ट करछंती जहार नाम रखा जाइतला स्काईलाइट। तो एथिरे सैटेलाइट उपरे आधारित कम्युनिकेशन सिस्टम्स मानक नहीं एथिरे तांकर कार्यकारिता किभली स्ट्रांग रहुची से विषय एही एक्सरसाइज रे इंडियन आर्मी टेस्टिंग करथिले। तो फ्यूचर रे कोनोसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट समय रे एही कम्युनिकेशन सिस्टम किभली सठिक भाव रे कार्य करि परिबो सेथि पई एही एक्सरसाइज टी को कंडक्ट करा जाइतला। तो ये आर्मी कथा आसला तो ता विषय टिके आर्मी रो चीफ को विषय टिके देखिदबा। वर्तमान आर्मी रो चीफ अछंती, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अछंती जनरल मनोज पांडे। देखिबा हर परवर्ती क्वेश्चन, गूगल हैज रिसेंटली लॉन्च्ड व्हिच ऑनलाइन प्रोजेक्ट टू मार्क इंडियास 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। भारतर 75 वर्ष स्वाधीनतार 75 वर्ष को सूचेबा पई गूगल रिसेंटली क्यों ऑनलाइन प्रोजेक्ट टी को लॉन्च करछंती? यार आंसर होची ऑप्शन डी इंडिया की उड़ान। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एवं गूगल मिलित भाव रे इंडिया की उड़ान नामक एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट को लॉन्च करछंती। तो यह भारतर 75 स्वाधीनतार 75 वर्ष को यह सूचेबा पई एही ऑनलाइन प्रोजेक्ट टी लॉन्च करा जाइछि। तो एही प्रोजेक्ट माध्यम रे 75 स्वाधीनतार 75 वर्ष भितरे इंडिया रे जो सब अचीवमेंट रहिछि ताकु एथिरे प्रदर्शित करा जाउछि एवं एही प्रोजेक्ट टी को एग्जीक्यूट करछंती गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। तो ठीक गूगल कथा आसला तो गूगल विषय रे टिके देखि दबा। गूगल रो फाउंडेशन हेतला 1998 सेप्टेम्बर 4 रे। यार हेडक्वार्टर अछि यूएस रो कैलिफोर्निया ठारे एवं यार सीईओ हेउछंती सुंदर पिचाई। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, Which scheme has been recently launched to increase the research capabilities of universities in a structured way? University manankar research capability ku badhaya pai emanak madhyaru keu scheme tiku recently launch kara jaichi? Yar answer hochi option B SURE. So government of india ro science and engineering research board dwara सियोर बा स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सिलेंस नामक एक स्कीम टी लॉन्च करा जाइछि। तो रिसर्च जो यूनिवर्सिटी मानकर रिसर्च कैपेबिलिटी को बढ़िया पई एही स्कीम टी लॉन्च करा जाइछि। तो एहा सर्व बा साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड द्वारा लॉन्च करा जाइछि। तो सर्व होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर थिवा गोटे स्टेट्यूटरी बॉडी जहार फाउंडेशन हेतला 2009 रे एवं हेडक्वार्टर होची न्यू दिल्ली ठारे एवं सेक्रेटरी होचंती प्रोफेसर संदीप वर्मा। देखिबा हर परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट बैंक टू बी लिस्टेड इन द टैक्स इनफॉर्मेशन नेटवर्क 2.0 प्लेटफॉर्म। एमानक मध्यरु केउटी प्रथम बैंक भाबरे टैक्स इनफॉर्मेशन नेटवर्क 2.0 प्लेटफॉर्म रे ताकू लिस्ट करा जाइछि। यार आंसर होची ऑप्शन सी
फेडरल बैंक। सो फेडरल बैंक प्रथम बैंक भाव में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रो टैक्स इनफॉरमेशन नेटवर्क 2.0 रे ताकु लिस्ट करा जाय छी। तो एही इनिशिएटिव टी टैक्स इनफॉरमेशन नेटवर्क टी टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया रो गोटे इनिशिएटिव अटे। तो इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी माध्यम रे टैक्स कलेक्शन सिस्टम को मॉडर्नाइज करिया पई एही टैक्स इनफॉरमेशन नेटवर्क टी को लॉन्च करा जाय छी। तो एथिरे प्रथम भाव रे जॉइन करछंती फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक विषय टिके देखि देबा। फेडरल बैंक रो फाउंडेशन हेतला 1931 एप्रिल 23 रे। इयर हेड क्वार्टर होची केरल रो कोची ठारे एवं एहर एमडी एंड सीईओ हेउछंती श्याम श्रीनिवासन। देखिबा हर परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड द नेथनकु बीमा इंश्योरेंस स्कीम। एमानक मध्यरु केउ राज्य नेथनकु बीमा इंश्योरेंस स्कीम टिकु लॉन्च करछंती। एहर आंसर होची ऑप्शन डी तेलंगाना। सो तेलंगाना गवर्नमेंट रिसेंटली नेथनकु बीमा नामक एक इंश्योरेंस स्कीम टिकु लॉन्च करछंती। तो एहा बुणाकार मानक पई वेभर्स मानक पई एक प्रथम प्रकार स्कीम अटे। तो जो माने हैंडलूम एवं पावरलूम क्षेत्र रे जो बुणाकार माने कार्य करछंती तांकु इंश्योरेंस प्रदान करिया पई तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा एही स्कीम टी लॉन्च करा जाय छी। तो एटी तेलंगाना कथा आसला ता विषय टिके देखि देबा। तेलंगाना रो कैपिटल होची हैदराबाद। एहर चीफ मिनिस्टर होछंती के चंद्रशेखर राव एवं गवर्नर होछंती तमिलिसाई सुंदरराजन। देखिबा हर परवर्ती क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड विथ द सिक्स्थ लद्दाख पाल नाम दस्तन अवार्ड। एमानक मध्यरु काहाकु सिक्स्थ लद्दाख पाल नाम दस्तन अवार्ड द्वारा सम्मानित करा जाइछि। एर आंसर होछि ऑप्शन सी दलाई लामा। सो दलाई लामाकु सिक्स्थ लद्दाख पल नाम दस्तन अवार्ड द्वारा सम्मानित करा जाय छी। एहा लद्दाख रो सबुठारु हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अटे, सबुठारु हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अटे। तो दलाई लामांकर ह्यूमैनिटी प्रति तांकर जो सब कंट्रीब्यूशन कार्य सब रही एवं यूनियन लद्दाख यूनियन टेरिटरी प्रति तांकर जो सब कंट्रीब्यूशन रही से ही सम्मान द्वारा सम्मानित करा जाय छी। तो दलाई लामा होछंती गेलुग बा येलो हार्ट स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धि जिम्र से स्पिरिचुअल लीडर। तो दलाई वर्तमान रो दलाई लामा होछंती 14वां दलाई लामा तेनजिंग ग्योत्सो। सो एठी तांको एही सम्मान टी प्रदान करा जाय छी लद्दाख द्वारा। तो लद्दाख विषय टिके देखि देबा। लद्दाख रो कैपिटल होछी लेह एवं कारगिल। यारो लेफ्टिनेंट गवर्नर होछंती राधाकृष्ण माथुर। देखिबा हर परवर्ती क्वेश्चन, अर्काडी दोर्कोविच हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। अर्काडी दोर्कोविच क्यों इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन रो प्रेसिडेंट आकार पुनर्बार निर्वाचित होती। यार आंसर होची ऑप्शन ए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। सो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन बा वर्ल्ड चेस फेडरेशन बा जहाँ फाइड बोली कह जाऊँगी यार प्रेसिडेंट आकार पुनर्बार निर्वाचित होती अर्काडी दोर्कोविच। तो अर्काडी दोर्कोविच 2018 फाइड रो प्रेसिडेंट आकार निर्वाचित होते। तो अर्काडी दोर्कोविच से 2012 2018 पर्यंत रशियार डेपुटी प्राइम मिनिस्टर आकार कार्य करते। तो से 2018 फाइड बा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रो प्रेसिडेंट आकार दायित्व संभाली। तो एठी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कथा आसला ता विषय टिके देखि देबा। फाइड रो फाउंडेशन हेतला 1924 जुलाई 20 रे। इयर हेड क्वार्टर होची स्विट्जरलैंड रो लोजेन ठारे एवं इयर प्रेसिडेंट आकार पुनर्बार एबे निर्वाचित होइछंती अर्काडी दोर्कोविच। देखिबा हर परवर्ती क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड इज द डेपुटी प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन। एमानक मध्यरु किए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रो डेपुटी प्रेसिडेंट आकार निर्वाचित होती। यार आंसर होची ऑप्शन डी विश्वनाथ आनंद। सो इंडिया रो चेस ग्रांड मास्टर विश्वनाथ आनंद इंटरनेशनल चेस फेडरेशन रो डेपुटी प्रेसिडेंट आकार निर्वाचित होती। सो चेन्नई ठारे चलथिबा 44वां चेस ओलंपियाड सहित आयोजित होइथिबा वर्ल्ड चेस आयोजित होइथिबा फाइड रो कांग्रेस रे एही निर्वाचन हेतिला। तो एथिरे प्रेसिडेंट एवं डेपुटी प्रेसिडेंट रो इलेक्शन हेतिला। तो डेपुटी प्रेसिडेंट रो
भावे निर्वाचित होती विश्वनाथ आनंद। तो विश्वनाथ आनंद विषय में किसी इंपोर्टेंट पॉइंट्स विषय टी देखीदे। विश्वनाथ आनंद होती जड़े इंडियन चेस ग्रैंडमास्टर जी 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन अटंती। से 1988 इंडिया प्रथम चेस ग्रैंडमास्टर होते 2006 वर्ल्ड चतुर्थ प्लेयर भाव में 2800 पॉइंट्स रेटिंग को अतिक्रम करते। से 1991-92 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाई जहाँ इंडिया रो हाईएस्ट स्पोर्ट्स क्षेत्र रो अवार्ड अटे जहाँ को वर्तमान नामित कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो से यार प्रथम रिसिपिएंट थे 2007 रे तांकू पद्म विभूषण जहाँ इंडिया सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अटे ताद्वारा तांकू सम्मानित करा। से प्रथम स्पोर्ट्स पर्सन भाव में यही पद्म विभूषण सम्मान द्वारा सीते। देखा यार परवर्ती क्वेश्चन। डॉक्टर नलथम्बी कलईसेल्वी हेज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ओमन डायरेक्टर जनरल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर नलथम्बी कलईसेल्वी एमानंक मध्यरु केउ ऑर्गेनाइजेशन रो प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल आकार अपॉइंट होती। यार आंसर होछि ऑप्शन बी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सो CSIR बा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रो प्रथम महिला डायरेक्टर जनरल आकार नियुक्त होती डॉक्टर नलथम्बी कलईसेल्वी। सो डॉक्टर कलईसेल्वी शेखर मांदे पर पदवी में अपॉइंट होती। शेखर मांदे एप्रिल रे रिटायर होते तो परे डॉक्टर कलईसेल्वी को यही CSIR डायरेक्टर जनरल आकार नियुक्त करा दीछी। यह पूर्व डॉक्टर कलईसेल्वी सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट रो प्रथम महिला साइंटिस्ट मुख्य भाव में मध्य कार्य करछंती। तो से वर्तमान होती CSIR डायरेक्टर जनरल। CSIR विषय टी देखीद। CSIR बा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च रो फाउंडेशन होता 1942 सेप्टेम्बर 26 यार हेडक्वार्टर रही न्यू दिल्ली ठारे एवं यार प्रेसिडेंट अटंती प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एवं यार डायरेक्टर जनरल आकार वर्तमान अपॉइंट हेले डॉक्टर नलथम्बी कलईसेल्वी। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल क्यों तारीख रे पालन करा जाए। यार आंसर होची ऑप्शन डी 9 अगस्त। सो प्रतिवर्ष 9 अगस्त को यूनाइटेड नेशंस द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल आकर पालन करा जाए। तो जो माने पूर्व कालरु जो आदिम जनजाति रही इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स आकर पालन करा जाए था। तो जो इंडिजिनियस पीपल माने रही अधिकार को किभली रक्षा करा जाए पारिबो एवं तांकर संस्कृति को किभली बजाय रखी ताकु संरक्षित रखा जाए पारिबो ताकु हाइलाइट करिया पई एवं से विषय रे अवेयरनेस स्प्रेड करिया पई एही दिनटी पालन करा जाय थाए। 2022 पई एहार थीम रखा जाय छी द रोल ऑफ इंडिजिनियस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन। नागासाकी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। नागासाकी डे क्यों तारीख रे पालन करा जाए। यार आंसर होची ऑप्शन डी 9 अगस्त। सो प्रतिवर्ष 9 अगस्त को नागासाकी डे आकर पालन करा जाए थाए। सो नागासाकी डे 1945 रे जापान रो नागासाकी उपर हेतिबा आणविक आक्रमण एटमिक बमिंग को मन पकड़ दिन की पालन करा जाए था। तो वर्ल्ड वार टू समय रे द्वितीय विश्व युद्ध समय रे 1945 अगस्त 9 रे यूनाइटेड स्टेट्स जापान रो नागासाकी शहर रे फैट मैन कोड थिबा एक एटम बम को एठरे पकाई थिले। तो यही भयंकर घटनाटी को मन पकड़ नागासाकी डे टी पालन करा जाए। तो 2022 रो 77वां एनिवर्सरी यही एटॉमिक बमिंग रो 77 एनिवर्सरी। तो एथिरे जो माने प्राण हरैथिले तांको श्रद्धांजलि देबा सहित जो न्यूक्लियर आणविक अस्त्र रो प्रसार को किभली विरोध करा जाय परिबो एवं विश्व रे शांति क्षेत्र रे किभली कार्य करा जाय परिबो ताकु हाइलाइट करिया पई एही दिनटी पालन करा जाय थाए।
सो एगुड़िक रहा आज डिस्कसन करोश्चेन्स रनसर्स जदि आज भिडियोटी आपको भल लगी लाइक और सेयार करूँ प्रतिदिन एभली इम्पोर्टाट करंट अफेयर्स विषय जानापाई आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आज करंट अफेयर PDF आपण गूगल ड्राइव और टेलीग्राम डाउनलोड करें यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दी जाइए। थैंक यू फॉर वाचिंग।